मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज थोड़ा अलग तरीके से व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। तो आज भी निकल चुका है गाड़ी लेके डेस्टिनेशन का कोई ठीक नहीं, आप लोगों को पता ही होता है मेरा डेस्टिनेशन का कोई ठीक नहीं रहता है। वैसे आज तो कुछ प्लान है, कुछ फाड़ू तोड़ू प्लान है मेरे पास। आज है सैटरडे और अभी सुबह का टाइम हो रहा है, ऑलमोस्ट 10 बज रहा है और मैं जा रहा हूँ सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में थोड़ा काम है, वो थोड़ा निपटा लेते हैं, उसके बाद कुछ ताबड़तोड़ करने का प्लान है। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट राइट नाउ, बिकॉज क्या है ना, ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो, और जस्ट मैंने अभी जस्ट गाड़ी चलाना स्टार्ट किया है तो अभी सीट बेल्ट लगा लूंगा, बट एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो चलो आगे आगे चलते हैं और आगे आगे देखते हैं होता है क्या। सो गाइस, अभी हम लोग हैं सिलीगुड़ी में, ये शिव मंदिर एरिया है और मेरे जस्ट साइड में ये नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी का गेट है। तो हम लोग आज नेशनल नहीं कुछ इंटरनेशनल करने वाले हैं, सब नेपाल जा रहे हैं भैया, वो भी गाड़ी लेके। तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही लेट है, इट्स ऑलमोस्ट 4:15। तो वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुँचना पड़ेगा और वहाँ पर जाके बनाना पड़ेगा परमिट, वो भी गाड़ी का। तो पहले तो 300 रुपीज़ पर डे के हिसाब से था, बट अभी कितना है मेरे को कोई आइडिया नहीं है क्योंकि लॉकडाउन के बाद ये फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ। तो चलो सो फार सो गुड, देखते हैं क्या कुछ होता है। हम लोग अभी है मेची रिवर के ब्रिज में और हम लोग अभी ऑफिशियली नेपाल घुस रहे हैं और अभी यहाँ पे जाके हम लोग को कस्टम ऑफिस में बनाना पड़ेगा परमिट, उसके बाद हम लोग नेपाल एकदम पूरा पूरी एंटर कर जाएंगे और कहीं पर भी जा सकते हैं। देखो उधर एक नया वाला ब्रिज कॉन्स्ट्रक्ट हो रहा है, वो बहुत बहुत चौड़ा है और ये जो ब्रिज है ये पहले का बहुत पुराना वाला ब्रिज है। तो ये क्या बोलते हैं उसको, इंडिया नेपाल ब्रदरहुड का जो क्या बोलते हैं, एक सिंबल के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस ब्रिज को नेपाल के लिए बना के दिया था। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं काकरभिटा। सो गाइस, हम लोग अभी ऑफिशियली है नेपाल में, ये काकरभिटा है और ये रहा, ये मेरा गाड़ी का भंसार हो गया, मतलब परमिट, इसको भंसार बोलते हैं नेपाली में। और ये गाड़ी है और ये यहाँ का कस्टम ऑफिस है और हम लोग 3 बंदा। तो नेपाल जाने के लिए ऑफिशियली इंडियन सिटीजन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का ज़रूरत नहीं है। अगर आप इंडियन गाड़ी लेके जा रहे हैं तो आप नेपाल में कहीं भी जा सकते हैं और उसका बहुत ही इजी प्रोसेस है, उसका परमिट बनाना पड़ता है। आप जितने दिन के लिए रहना चाहते हैं उतने दिन का परमिट बना लो। फोर व्हीलर का पर डे के हिसाब से 350 और बाइक का पर डे के 100 रुपीज़ के करीब। तो अभी ऑलमोस्ट शाम हो चुका है, देख ही पा रहे हैं पूरा अंधेरा हो चुका है। तो अभी लेट नहीं करते, फटाफट निकलते हैं और ये जर्नी का एडवेंचर्स होगा। वाह। सो गाइस, दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ नेपाल। हम लोग अभी हैं नेपाल की धरती में। बड़ा बड़ा कैमरा लगा दिया रे भैया। भाई साहब, पूरा हुलिया ही चेंज हो गया नेपाल का। यहाँ पे एक नेपाल का मतलब वेलकम गेट हुआ करता था, वो गेट बहुत ही खूबसूरत था लेकिन वो गेट वेट सब गायब कर दिया है। दोस्तों अभी हम लोग हैं कन्याम रोड पे और इधर से नियर अबाउट 20-25 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो पूरा रात हो चुका है, कुछ भी नहीं दिख रहा है ठीक ठाक, बट ये रास्ता दिन में जो खूबसूरत दिखता है ना, ओ माई गॉड, कल जरूर से आप लोगों को दिखाऊंगा इस रोड का व्यू। हम लोग अभी एक चाय ब्रेक के लिए रुके हैं, पूरा अंधेरा हो चुका है। ये जगह का नाम है जोर कलस। तो मुझे पता भी नहीं था पहले इस जगह का नाम जोर कलस है, मैं बहुत बार जा चुका हूँ इस रोड से पहले लेकिन मैं व्लॉग में फर्स्ट टाइम डालूंगा कि मैं नेपाल जा रहा हूँ।
वो उधर 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 दो बड़ा बड़ा कलश है, इसीलिए इस जगह का नाम है दूर कलश। और ये मेरा गाड़ी इधर पार्क है और यहाँ पे आर्मी का चेकिंग चल रहा है और हम लोग यहाँ पे थोड़ा चाय पानी पीने के लिए रुके हैं। तो मैं पहले बाइक लेके इवन फोर व्हीलर लेके भी बहुत बार नेपाल आ चुका हूँ, इलाम कन्याम में कर चुका हूँ, लेकिन यूट्यूब में मैं फर्स्ट टाइम डालूँगा ये वीडियो। तो ये आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम होगा मेरा। आज हम लोगों का स्टॉप करना ही होगा क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका है और पहाड़ में लोग जल्दी सो जाते हैं, तो ज़्यादा लेट करके जाएंगे तो हम लोगों को खाना पीना नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जितना जल्दी हो सके हम लोग अपना जो रिसोर्ट है उसमें पहुँचेंगे। तो चाय पानी पीना हो चुका है कंप्लीट और अभी निकलेंगे। यहाँ से 18 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है, और होटल भी बुक हो चुका है। सो अभी कोई टेंशन नहीं है, हम लोग आराम से जा सकते हैं। जिस दुकान पे चाय पिया, थैंक्स टू द ओनर कि उन्होंने अपने फ़ोन से हम लोगों के लिए फ़ोन लगाया और रूम बुक कर दिया, क्योंकि हम लोग का जो इंडियन फ़ोन है वो तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हम बोले कि भैया आपके पास फ़ोन है क्या, तो आप थोड़ा फ़ोन कर दिया, तो उन्होंने फ़ोन कर दिया। तो अभी हम लोग पूरा टेंशन फ्री होके जा रहे हैं। चलो यहाँ से ऊपर जाते हैं। ये ऊपर जाने का क्या होता है, व्यू पॉइंट का जाने का ये सीढ़ी है। जस्ट माइंड बॉगलिंग। हम लोग अभी है कन्याम व्यू पॉइंट पे और ये आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है यार ये जगह। माय गुडनेस, मतलब 3 साल में क्या क्या चेंज हो गया है यार। अरे बापरे बाप, मुझे लग रहा था कि रात हो गया, बहुत कुछ शायद मिस कर दिया हम लोगों ने, बट यार ये देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं किया था। सीरियसली इट्स वर्थ कमिंग। लाइट का कमी है। सो गाइस हम लोग 7 Sound पहुंच गए अपना होटल। ये होटल का नाम है पैनोरामा होटल बीए में। बहुत पहले से यहाँ पे आ रहा हूँ और ये है हम लोग का रूम आज के लिए। डबल बेड, 3 पीपल, एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक बैल्कनी है, बैल्कनी से यहाँ पे रोड दिखता है। तो हम लोग आने के बाद ना अभी तक फ्रेश हुए हैं ना चेंज किया है, तो अभी फ्रेश होते हैं, चेंज करते हैं और फिर अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेपाल। सो हम लोग अभी हैं पैनोरामा होटल एंड लॉज पे और अभी हम लोग फुल सेट है निकलने के लिए। तो यहाँ से देखो ऐसा ऐसा व्यू आ रहा है, वो देखो टी गार्डन्स, यार कितना खूबसूरत लग रहा है। और वो साइड प्रॉब्ली इंडिया है और एक फोटो के एकदम सामने ही रोड है। तो हम लोग अभी निकलने वाले हैं, वी आर ऑल सेट टू लीव। और निकल के हम लोग करेंगे थोड़ा ब्रेकफास्ट, क्योंकि होटल में अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बनाया और अभी टाइम हो रहा है इंडिया का 9:40। तो इट्स बेटर कि हम लोग निकल जाए और बाहर कहीं से खा लें और उसके बाद कुछ जगह यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे नीचे बिरथा मोड़ पे। वहाँ पे मेरा एक दोस्त है, तो उसके साथ थोड़ा मीट करेंगे, थोड़ा बातें शातें करेंगे, उसका घर जाएंगे, थोड़ा उसके साथ अड्डा देंगे और उसके बाद घर के लिए निकल जाएंगे। तो चलो अभी रोड पे निकलते हैं। तो गाइस चलते चलते हम लोग एक जगह पे रुके हैं अभी और यहाँ पे इतना खूबसूरत लग रहा है ना यार, क्या बताओ। ये पीछे इधर रोड आ रहा है और ये रोड ऐसे घूम के इधर जा रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब देखो इधर मेरे पीछे क्या व्यू आ रहा है यार, पूरा टी गार्डन और वो जगह, तो माय गॉड इतना खूबसूरत लग रहा है।
ये जगह मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखो वो रहा रोड, ऑसम। सो गाइस ये है कन्यम व्यू पॉइंट, और यहाँ पे व्यू पॉइंट पे जाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप्स है। ऊपर जाके आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ। वैसे आई एम श्योर कि आप लोगों को ये बहुत बढ़िया लग रहा होगा। सिलीगुड़ी से नेपाल में घूमने के लिए सबसे नियरेस्ट जगह है कन्यम, और यहाँ पे पूरा साल ठंड भी रहता है, तो यह अच्छी जगह है। अगर आप घूमने आना चाहते हो तो अच्छी जगह है घूमने के लिए। सो दिस आर द स्टेयर्स, इधर ही हम लोगों को भी चढ़ना पड़ रहा है। सो गाइस हम लोग व्यू पॉइंट में पहुंच गए हैं, और हर कोई फोटो खींचने में बिजी है। ये नीचे रहा रोड, और ये आप लोगों को 360 दिखाता हूँ। हर कोई फोटो खींच रहा है, और यहाँ पे नेपाल का जो फ्लैग है, बहुत बड़ा सा फ्लैग जो बहुत दूर से दिख रहा था, और वेदर क्या खूबसूरत हो रहा है। दोस्तों हम लोग आते हैं कन्यम स्काई वॉक पे, और देखो यहाँ पे चढ़ना पड़ रहा है। चढ़ने का रोड देखो यार, ये देखो ऐसा है रोड चलने का, इधर जाने का ऐसा रोड है भाई साहब, ऐसा रोड है। हम लोगों को वहां जाना पड़ेगा, ऐसे रोड से आना पड़ा। तो दोस्तों हम लोग अभी आए हैं कन्यम स्काई वॉक पे, और अभी स्काई वॉक पे जा रहे हैं, और चढ़ते थोड़ा फट गया यार, मतलब चढ़ने का कोई सीढ़ी नहीं है। वो जो सीढ़ी है वो बन रहा है, लेकिन अभी के लिए नॉर्मल कोई सीढ़ी नहीं है। वाह, अभी इधर से ऐसे से जाना पड़ रहा है। तो दोस्तों मैं अभी हूँ नेपाल में बिरतामुर में, और मैं इसी के घर आया था। तो अभी यहाँ पे लंच वंच करा, अभी शाम हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है। तो इसके बीवी ने अभी अरेंज किया खाना वाना, तो मस्त खाए हुए। और अभी इसने तो मस्त खा लिया, इसने तो मस्त खा लिया, मगर आपने मस्त ये वीडियो को दिखाया नहीं देखा। नेपाल प्रस्तुत हुने सम्पूर्ण साथी मित्रहरुलाई सबैलाई यो च्यानललाई पनि माया गर्दिनुहोस्, सब्सक्राइब गर्दिनुहोस् भन्दै सब्सक्राइब शब्द यही टुंग्या, धन्यवाद। अच्छा क्या बोला, मुझे दादा को समझ में नहीं आया। ओके अभी ये तो समझ में आया कि बोला कि चैनल को प्यार देना, सब्सक्राइब करना, यही बोला था। हाँ तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं इसके घर से, 5:30 बज रहा है, और बॉर्डर शायद 8 बजे तक खुला रहता है क्या? हाँ तो उससे पहले हम लोगों को मतलब बॉर्डर से निकलना है, इंडिया घुसना है। तो चलो ये पार्ट ये भी खत्म कर दें, और फिर मिलते हैं रास्ते पे। सो गाइस हम लोग अभी पहुंच चुके हैं बॉर्डर पे, और यहाँ पे चल रहा है हम लोगों का फाइनल चेकअप। हम लोग का जितना भी डॉक्यूमेंट है वो चेक होगा, और उसके बाद हम लोगों को छोड़ दिया जाएगा। और जैसे ये जो बड़ा सा गेट आप देख रहे हैं, ये जैसे हम क्रॉस करेंगे
वैसे ही हम लोग पहुंच जाएंगे अपना देश भारत में। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, नेक्स्ट किसी डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड स्टे पॉजिटिव। बाय बाय।